नर्ड की स्टोरी. ओके सो नर्ड मेरे को बहुत पहले से जानता है. मैं नर्ड को बहुत पहले से जानता हूँ. पबजी पीसी के टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं. जब वो पबजी पीसी की स्ट्रीम किया करता था, मैं भी पबजी पीसी की स्ट्रीम किया करता था. काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है. तो उसके बाद फिर मैंने पबजी मोबाइल स्टार्ट किया, जैसे कि आप सभी को पता ही है. उसके बाद वो आता था खेलने के लिए, डिस्कॉर्ड पे बैठता था, हम लोग खेलते थे साथ में. काफ़ी दफ़ा हम लोग खेलते थे काफ़ी. फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा हमने खेला. फिर हमने क्लैन बनाने का सोचा, क्लैन मैन बनाया. बहुत खेला, बहुत खेला. तो मेरे को याद नहीं नर्ड के कितने थे उस टाइम पे. प्रॉब्ली 3,000-5,000 हो गए शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, जब वो पहली बार आया था. या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, नॉट श्योर. उसके बाद फिर हमने खेलना स्टार्ट किया. रैंक वैंक पुश का सीन था उस टाइम पे. सीज़न थ्री की बात है मेरे ख्याल से. सीज़न थ्री में फुल रैंक वैंक पुश किया, बढ़िया कॉन्करर जाके बैठ गया मैं आराम से. मतलब सभी के सभी अच्छा खेलते थे, सभी के सभी कॉन्करर भी हो गए थे. तो मैं तो कॉन्करर टॉप फाइव में आ गया था उस टाइम पे सीज़न 3 में. सीज़न 3 सीज़न 4 एंड सीज़न 4 से फिर मैंने छोड़ दिया था ये सब कॉन्करर वगैरह सब चीज़ें. तो उसके बाद फिर खेलते गए एंड बहुत खेला. फिर नर्ड की भी नर्ड का भी चैनल ग्रो होने लग गया. तो सब सही चल रहा था. एंड फिर जब ये सब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ये बेसिकली नर्ड के बिहेवियर से स्टार्ट हुई बहुत. ठीक है. आप सभी अगर नर्ड के स्ट्रीम पे हो गए तो सबसे पहली बात आपको पता ही होगा, जब भी कोई उसको हेट कॉमेंट करता है उसके चैट पे या गाली गलौज करता है, तो नर्ड उसको डायरेक्ट रिप्लाई करता है. एंड बहुत जोर के रिप्लाई करता है. मतलब वो भी गाली गलौज करना स्टार्ट करता है. ठीक है. तो एज अ स्ट्रीमर, अगर मेरी स्ट्रीम चल रही है एंड मेरे स्ट्रीम पे नर्ड खेल रहा है और वो अपने व्यूअर्स पे या जो हेटर्स है उसके चैट पे गाली गलौज कर रहा है, तो उसकी पूरी आवाज़ मेरे स्ट्रीम पे भी जाएगी. तो उसकी आवाज़ हम लोगों ने क्या करे, कम करके रखे थे कि यार ये जब भी लाइक चिल्लाते रहता है तो अपने व्यूअर्स को बुरा ना लगे, बिकॉज मेरी स्ट्रीम पे कभी गाली गलौज नहीं होती है. एंड नर्ड भाई साहब तो गाली गलौज करते ही रहते थे अपने स्ट्रीम पे. रिएक्ट करना बहुत जल्दी, गाली गलौज करना. एक और चीज़, जब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आज भी आपने देखा होगा, मैं जब मर जाता हूँ मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ कि रोड साइड वेयर हाउस. जैसे मेरी मरा रोड साइड वेयर हाउस बोलते हैं, मैं चुप हो गया. नर्ड का ऐसा, जब वो मरता है ना, वो बहुत चिल्लाता है. वो इतना चिल्लाता है कि जो बंदे बचे हुए बेचारे, वो फोकस ही नहीं कर पाते, फुटस्टेप नहीं सुन पाते, फोकस नहीं कर पाते. मतलब बहुत अति लेवल पर चिल्लाता है. ऐसा नहीं कि हम मर गए तो बस एक कॉल आउट दे दिया, चुप हो गया. तुम ये चीज़ बाद में ही बोल सकते हो कि देख ऐसा ऐसा हुआ था, ये गलती हुई थी, ये ठीक कर सकते थे. वो ये कभी करता ही नहीं है, वो बस चिल्लाते रहता है. उसको बेसिकली अब तुम रोना भी कह सकते हो. ठीक है. और रही बात कुछ चीज़ों की, जैसे वो कह रहा था कि मेरे को ओम चाहिए, M249 चाहिए, तो वो तो सही है. मैं पहले से अगर ड्रॉप आई तो मैं ओम से खेलता था, तो मैं ओम से ही खेलता हूँ. ऐसा उसमें कुछ नहीं है. और मैं ये बोलता भी था कि भाई ले, यूज़ कर, जिसको यूज़ करना है करो, कोई सीन नहीं है. फिर उसके बाद उसकी ऐसी हरकतें बहुत बढ़ते गई. ऑब्वियसली यार, कोई अगर स्ट्रीम कर रहा है एंड तुम उसकी स्ट्रीम पे गाली गलौज कर रहे हो, चिल्ला रहे हो एंड थोड़ा रोना धोना कर रहे हो, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हर एक को यार थोड़ा लगेगा ना कि यार क्या, मतलब सुनाई नहीं देता इसके कारण है, और ये चिल्लाते रहता है. तो काफ़ी लोगों ने फिर उसके साथ खेलना बंद कर दिया था. मैं खेलता था उसके साथ, मैंने कभी मना नहीं किया उसको खेलने के लिए. मैं उसके साथ हमेशा खेलता था. एंड यही एक रीज़न है उसके साथ खेल खेल के उसका चैनल 5,000 से 1,00,000-1.5 लाख के ऊपर पहुँचा दिया है, जो कि उसकी भी बहुत मेहनत है इस चीज़ में. उसने भी बहुत स्ट्रीम किया है, बट ये एक फैक्ट है ब्रो. ठीक है, ये एक फैक्ट है. और अभी यार मैं भी कितना करूँ, राइट. बाकी लोग अगर मना कर रहे खेलने के लिए, मैं तो फोर्स नहीं कर सकता किसी को कि नहीं तेरे को लेना ही पड़ेगा. मैंने एक बार बोल दिया खेलना है, उन्होंने खेला, फिर उसकी वो हरकतें स्टार्ट हुई. फिर उन लोगों ने बोल दिया कि देख यार ये फिर वही हरकतें कर रहा है. तो फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए, लो भाई तुमको जो सही लगता है वो उस चीज़ करो, सिंपल है. तो मेरे तरफ से तो कोई नहीं यार, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो. मैं सब मेरे लिए भाई जैसे हैं. मैं क्लैन में अगर कुछ भी होगा तो उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा. सब मेरे भाई जैसे हैं, सिंपल. तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो. तुमको लगता है कि तुमने काम किया, अच्छा किया, तुम्हारे साहस बढ़ गए, तुम जा सकते हो. अगर तुमको लगता है कि तुम रहना चाहते हो, तुम रह सकते हो, कोई सीन नहीं. मेरे लिए सब, मेरे सब इक्वल है, मेरे सब भाई जैसे हैं.